तो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आप में से हर कोई एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट जरूर करता है, लेकिन जब बात आती है सिलेक्शन की तो सिलेक्शन वही बंदा लेके जाता है जो इसका एक पर्टिकुलर स्मार्ट अप्रोच में आंसर लेके आता है। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन जो डिस्प्ले हुआ है आपके सामने, इसको अगर आप पूरा का पूरा सॉल्व करके एग्जैक्ट आंसर निकालने के चक्कर में रहेंगे तो कभी भी आपका आंसर 10 सेकंड्स में मरते दम तक नहीं आएगा। लेकिन हम कुछ आज एक ऐसा मैजिकल ट्रिक आपको बताने वाले हैं जिससे कि इन सवालों को आप डेफिनेटली 10 सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे, और 10 सेकंड्स में आपने, मैं आपके सामने प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा कि 10 सेकंड में आ रहा है या नहीं। और उस कॉन्सेप्ट, उस मैजिकल कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डिजिट सम कॉन्सेप्ट, जो कि हर एक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आप लगा के चुटकी भर में आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा ये कॉन्सेप्ट है क्या, वाकई में इसको क्या कैसे लगाना होता है, सब कुछ मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। तो बिल्कुल सेशन को स्किप मत कीजिएगा, छोटा सा तो पूरा का पूरा सेशन को एंड तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, माइसेल्फ कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। तो सबसे पहले जब बात आती है डिजिट सम की, मैंने एक बहुत ही बेसिक सा सवाल रखा है जो कि सिर्फ एडिशन है। ये एडिशन सबको ही कर सकता है, लेकिन मेरा काम है इसको डिजिट सम से सिखाना आपको कि डिजिट सम कैसा लगाना जाता है। अब आप में से जो लोग ट्रिक जानते हैं वो लोग सोचते होंगे कि सर मैं सिर्फ लास्ट डिजिट निकाल के यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट सब जगह क्या है, 6 है। सिमिलरली सर लास्ट 2 प्लेसेस, लास्ट 2 भी सबके सेम है, लास्ट 3 भी सबके सेम है, लास्ट 4 भी सबके सेम है। मतलब मैंने जानबूझ के ऑप्शन को ऐसा रखा है कि या तो आपको पूरा का पूरा ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो डिजिट सम अगर आप लगाएंगे तो बिना एडिशन के भी इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। तो डिजिट सम हम लगाने से पहले दिखा देते हैं कि और कौन से जगह में डिजिट सम लग सकते हैं, क्या परसेंटेज में लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है सेम कॉन्सेप्ट। क्या मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन में लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है सेम कॉन्सेप्ट। क्या डेसिमल में लग सकता है, बिल्कुल। ये डेसिमल जो है ना, ये सिंपलीफिकेशन है, एप्रोक्सीमेशन नहीं है। यहां पे पूरा 3.92 into 3.92 करना होता है, ये नहीं कि 4 into 4 कर देंगे। तो यहां पे भी ऑप्शन से आपको पता चल रहा होगा कि मैं पूरा एग्जैक्ट वैल्यू आपको डिजिट सम में देने वाला हूं 10 सेकंड्स के अंदर। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे तो और कॉम्प्लिकेशन, परसेंटेज के साथ डिवीजन, और आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट का स्क्वायर, परसेंटेज, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब कुछ है। और लास्ट में जाएंगे तो एक रेलगाड़ी की तरह सिंप्लीफिकेशन, इसको भी हम कम टाइम में आपको सिखा देंगे। तो बिल्कुल जुड़े रहिए एंड तक ताकि हर एक चीज के ऊपर आपका कंट्रोल होल्ड बन सके। अब डिजिट सम कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया जाता है, भैया 43,751 एक नंबर है, लेकिन इसके डिजिट सब क्या क्या है, 4, 3, 7, 5, 1, दीज आर द डिजिट्स। और डिजिट सम मतलब आपको बस इन डिजिट्स का एडिशन, सम कर देना है। तो 4+3, 7+7, 14+5, 19+1, 20, तो इसका डिजिट सम कितना आ गया, 20 आ गया। लेकिन डिजिट सम हमेशा एक सिंगल डिजिट होना चाहिए, सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो 2+0 अगर मैं ऐड कर दूं 20 का डिजिट सम, 2+0 ये कितना दे देगा मुझे, 2। तो इस टोटल नंबर का डिजिट सम मुझे मिल गया कितना, 2। अब इस डिजिट सम को हम थोड़ा और शॉर्ट ट्रिक में निकाल सकते थे, कैसे, अगर हम 9 को इग्नोर कर दें। मतलब डिजिट सम कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जहां पे भी आपको सम 9 मिल रहा है उस 9 को और लेने की जरूरत नहीं, 9 इज ट्रीटेड अस 0। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर क्यों, ये क्यों का जवाब मैं एक दूसरे सेशन में दूंगा अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर डिजिट सम का बैकग्राउंड लॉजिक हमें पूरा जानना है, मैं बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन वो बैकग्राउंड लॉजिक बताने के लिए मुझे 25 मिनट से 30 मिनट चाहिए, मैं पूरा रिमाइंडर विमाइंडर सब कुछ बताऊंगा ना, इसीलिए मैंने इस सेशन में नहीं रखा, क्योंकि यहां पे मैं 15-20 मिनट में सब कुछ निपटाने वाला हूं, और वो अगर मैं कॉन्सेप्ट सिखाने बैठ जाऊं तो सेशन 1 घंटे का हो जाएगा टोटल। तो आज बस सीखिए ट्रिक, बाद में अगर आप कमेंट करेंगे तो बहुत ही जल्द हम आपको इसका बैकग्राउंड लॉजिक दे देंगे। लेकिन लॉजिक बस इतना कहता है, जहां पे भी आपका सम 9 मिले उसको 0 के तरह ट्रीट कीजिए। अब जब मैं इसको ऐड कर रहा था तो मुझे 4 और 5 मिलाने से 9 मिलता, लेकिन 9 को तो मुझे 0 करना है, तो इनको और लेने की जरूरत नहीं। तो बचे मेरे पास क्या, 3+7 10, 10+1 11, और अगर मैं बात करूं 11 का डिजिट सम कितना होगा, 1+1 2, और यही 2 मुझे यहां पे भी मिला था। तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो पूरा का पूरा ऐड करके डिजिट सम लास्ट में निकालिए सिंगल डिजिट, नहीं तो 9 देखते ही कैंसिल कर दीजिए। जैसे कि मैं अगर आपको सिखाऊं तो 6 और 3 मिलने से 9 होता है, निकाल दीजिए। 5+5 10+2 12 होता है, और 12 का डिजिट सम कितना होता है, 1+2 3 होता है। तो आपके रफ शीट में सिर्फ 3 आना चाहिए, लेकिन पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं 12 को भी 60/60 रख रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए। इसका डिजिट सम कितना होगा, देखिए 5 और 4 मिलने से 9 3 3 3 9, तो 9 9 जब भी मिलेगा उसका डिजिट सम कितना होगा, 0। क्लियर होगा, क्योंकि 9 को हमें 0 की तरह ट्रीट करना है यहां पे। तो 5 और 4 9 मिल गया, मतलब 0 बन गया, 3 3 3 9 बन गया, ये भी 0 0+0 0, तो फाइनल डिजिट सम भी 0। अब इसकी बात करें तो देखिए 2 और 7 मिलने से 9, 0 हो गया। 6+5 कितना होता है, 11 होता है, और 11 का डिजिट सम 1+1 कितना होता है, 2 होता है। अब इसकी बात करें 3+4 7 7+2 9, तो 9 का डिजिट सम 0 होगा। अब मुझे ये पता है कि LHS में सब कुछ ऐड होके है,
अब यहां पे सपोज ये एक जीरो है और यहां पे सपोज ये और एक, इसका जीरो जीरो लिखने की जरूरत नहीं, पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा बारीकी से बताएंगे ही। अब अगर मैं डिजिट सम को ऐड करूं तो 2 प्लस 3 हो गया 5, ये जीरो है इसको लेने की जरूरत नहीं, 5 प्लस 2 ये हो गया मेरे पास 7, तो मेरा डिजिट सम जो है वो कितना आ गया, डिजिट सम 7 आ गया। अब मेथड बस इतना कहता है कि अगर LHS का डिजिट सम 7 है तो RHS का भी डिजिट सम कितना होना चाहिए, 7। मतलब यहां पे जो क्वेश्चन मार्क जो टोटल वैल्यू आया होगा उसका डिजिट सम डेफिनेटली कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो मैं अब चेक करूंगा कि कौन से ऑप्शन में मेरा डिजिट सम 7 निकल के आ रहा है। अब मैं पहला क्वेश्चन देखा, पहला ऑप्शन देखा तो 711 काट दिया। सर क्यों काट दिया, अरे 7 + 1 8 + 1 9, ये आपको प्रैक्टिस के साथ पता चल जाएगा, मेरा प्रैक्टिस है इसलिए मैं काट सकता हूं, तभी जाके 10 सेकंड में बनेगा। पहला दिन एक क्वेश्चन में अगर आप बोल रहे 10 सेकंड तो चले जाइए भैया, माफ कर दीजिए, हाथ मतलब जोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं 7 + 4 11 11 + 6 17, अब 17 का डिजिट सम कितना होता है 1 + 7 8, लेकिन आपको चाहिए कितना, 7 चाहिए। अब देखिए क्लियरली इसके नीचे वाले का डिजिट सम 7, सर रट के आए हैं क्या डिजिट सम 7 बोल रहे, अरे भैया इन दोनों ऑप्शन में डिफरेंस कितना था, यहां तक सब कुछ सेम था, स्टार्टिंग वाला भी सेम था, ये 1 के जगह यहां पे 0 है। जब आप पूरा ट्रिक लगा रहे हैं तो दिमाग को पूरा खुला रखिएगा, ठीक है। अब ये 1 के जगह अगर मतलब अगर मेरे पास 0 है मतलब यहां पे 1 कम होगा, अगर 1 कम होगा तो यहां पे अगर डिजिट सम 8 था तो यहां पे 1 कम है तो यहां पे डिजिट सम 7 आना चाहिए, नहीं तो आप बढ़िया से हिसाब भी लगा सकते हैं। सर हिसाब कैसे लगाएंगे, अब देखिए अगर मैं बात करूं 7 + 7 14 14 + 4 18 18, मतलब 8 + 1 9 बन चुका है या फिर 9 का मल्टीपल बन चुका है, तो इसको काट दीजिए। अब रहा मेरे पास क्या, 6 + 1 कितना हो गया 7, तो इसको मैं कह सकता हूं 7, और मुझे पता है कि मेरा डिजिट सम 7 जिसका भी होगा वही मेरा आंसर होगा, तो यही मेरा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब आपके तसल्ली के लिए चेक कर देते हैं इन दोनों ऑप्शन को, तो 7 + 2 9 कैंसल हो गया, 1 + 7 8 8 + 4 12 12 + 6 18 18 का डिजिट सम 8 + 1 9 9 कभी नहीं आता, 9 को हम हमेशा 0 की तरह ट्रीट करते हैं, इसका डिजिट सम 0 हो गया। अगर बात करें इन सब का, इन दोनों का, तो यहां पे देखिए 7 और 2 मिलके 9 हो गया, 7 + 4 11 11 + 6 17 17 में 1 + 7 यानी कि ये कितना हो गया 8 हो गया। मुझे डिजिट सम टोटल कितना चाहिए भैया, जिसका डिजिट सम 7 होगा वही आंसर, तो ये इकलौता मुझे ऐसा मिला जिसका आंसर डिजिट सम 7 हो रहा, तो यही मेरा आंसर बन जाएगा। सर ई ऑप्शन नहीं रखे, ई ऑप्शन हर क्वेश्चन में मान लीजिए नन ऑफ दिस, सर नन ऑफ दिस हो गया तो ये तो डिजिट सम तो कुछ भी हो सकता है, इतना भरोसा कीजिए एग्जामिनेशन में अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो नन ऑफ दिस होने के चांसेस नेग्लिजिबल है, ठीक है। और जितने स्पीड से आप कर रहे हैं अगर आपका एक गलत भी हो गया ना तो भी आपके 4 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बनने वाले हैं, लेकिन इतना वादा करते हैं, इतना पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो नन ऑफ दिस नहीं हो सकता आंसर। अब चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, अब जब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन को कैसे, सर इसको भी लगा सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, कैसे। अब मैं अगर बात करूं तो ये 88% पहले सिखाऊंगा उसके बाद, जो 88% को मैं अगर लिखूंगा तो 88/100 लिखूंगा। अब 88/100 में 88 को अपने जगह रखे रहिए। अब मैं अगर बात करूं डिनोमिनेटर का डिजिट सम तो 1 + 0 + 0 1 हो गया, तो अगर मैं बात करूं 8 + 8 न्यूमरेटर का भी देख लेते हैं, 8 + 8 कितना होता है 16, और 16 का डिजिट सम कितना होता है 1 + 6 7, और 7 डिवाइडेड बाई 1 जब होगा तो आंसर कितना आएगा 7 आएगा, और वो 7 बस किसका आ सकता है भैया, 8 और 8 प्लस होने से 16 होगा और 16 1 + 6 होने से 7 होगा, फाइनल भी 7 आ रहा है। मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं डिनोमिनेटर में मेरे पास 100 था जिसका डिजिट सम 1 है, और किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, x डिवाइडेड बाय 1 हमेशा x ही रहता है, तो मुझे ये क्लियर है कि परसेंटेज में हमेशा डिनोमिनेटर में 100 आने वाला है, 100 का आपका डिजिट सम हमेशा 1 आने वाला है, तो वो डिनोमिनेटर में 1 का कोई रोल नहीं रहता है, तो इनडायरेक्टली परसेंटेज का डिजिट सम में कोई रोल नहीं रहेगा। ये 7 का यूनिट सॉरी डिजिट सम कैसे आ सकता है, बस 88 का डिजिट सम ही लिख सकते हैं, जैसे कि अब मैं आपको समझा रहा हूं, परसेंटेज का कोई रोल नहीं नहीं है। 8 इन 8 और 8 कितना होता है 16 होता है, एक स्टेप अभी काट सकता हूं, 8 प्लस 8 16 होता है, 16 का डिजिट सम 1 प्लस 6 कितना होगा 7 होगा, ऑफ मतलब इनटू। अब ये देखिए 3 प्लस 7 कितना हो गया 10 हो गया, 10 का डिजिट सम 1 प्लस 0 1 हो गया। अब ये भी आप एक स्टेप में लिख सकते थे, यहां से 7 यहां पे 1 देख के एग्जामिनेशन में अगर 7 डायरेक्ट आ जाएगा ना तो काम बहुत ही जल्दी बनेगा, और ये आना भी चाहिए विद प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास 7, अब यहां पे प्लस का सिंबल है, सर प्लस का सिंबल है, 2 प्लस 4 कितना होता है भैया 6, परसेंटेज का कोई रोल नहीं रहता, इनटू 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 6 इनटू 3 18, 18 मतलब क्या हो गया 8 प्लस 1 9, 9 मतलब क्या हो गया 0, आज इसी का है। अब माइनस यहां पे कुछ नंबर है
और ये माइनस कुछ नंबर के बाद आरएचएस में मेरे पास कितना है, देखिए 8 और 1 कट गए, 9 हो गए 0, और ये बचा सिर्फ मेरे पास 1। अगर मैं पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन एक स्टेप और लिख भी दूं आपके लिए तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, देखिए आराम से। अब यहां पे ये माइनस एक्स है, अगर आरएचएस में जाएगा तो ये प्लस का एक्स बन जाएगा, और ये 1 जो है वो माइनस होने से यहां पे 7 से 1 जाने से कितना रहेगा 6, मतलब x 6 नहीं आएगा। x जो भी नंबर होगा मेरा आंसर इस क्वेश्चन मार्क की जगह बैठा होगा उसका डिजिट सम 6 आना चाहिए, तो जो नंबर का डिजिट सम आपको 6 मिल जाए काम खत्म। अब देखिए 8 और 1 कट गए, इसका डिजिट सम सिर्फ रहा 3, क्लियर है। अब देखिए 8 6 14, 14 प्लस 2 16, 16 का डिजिट सम 1 प्लस 6 7 हो रहा है, ये नहीं चाहिए मुझे, 6 चाहिए डिजिट सम। अब देखिए जल्दी जल्दी 6 5 11 11 2 13, 13 मतलब 4, इसका भी डिजिट सम 6 नहीं आ रहा। अब देखेंगे तो 5 प्लस 2 7, 8 प्लस 7 15, 15 का डिजिट सम 1 प्लस 5 कितना आ रहा है 6 आ रहा है, मतलब क्लियरली यही मेरा आंसर होगा, स्पीड बढ़ाइएगा। अब आपके तसल्ली के लिए इसको भी चेक कर लेते हैं, देखिए 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8 16, 16 मतलब 1 प्लस 6 7, तो इसका डिजिट सम 7 आ रहा है, तो जिसका डिजिट सम 6 है वही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि 258 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पे हमने देखा कि इस परसेंटेज में जब मैं बोल रहा हूं कि 1 अपॉन 100 है और ये डिनोमिनेटर में 100 का डिजिट सम 1 हो रहा है तो इसका कोई रोल नहीं रहता, मतलब अगर यहां पे मैं एक हिंट दे रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि अगर डिनोमिनेटर का डिजिट सम 1 बन जाए तो काम खत्म। सर इसको कैसे डालना है, क्या डालना है, हम है सिखा रहे हैं, फिकर मत कीजिए। इसका डिजिट सम कितना होगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, इनटू ये हो गया 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 इंटू 6 कितना होता है 30, ये लिखना है क्या, नहीं, 30 का डिजिट सम कितना होता है 3, यही आपको पता होना चाहिए, इमीडिएट आ जाना चाहिए, और मैं जो 10 सेकंड्स में उसको मैं करके दिखाऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। अब तब तक सीखते रहिए, फोकस बनाते रखिए। अब यहां पे माइनस का सिंबल है, अब देखिए 7 और 2 कट गए, यहां पे रहा मेरे पास 1, 1 कितना होता है 2 होता है, हां सर होता है, डिवाइड का सिंबल डिवाइड डाल दिए, 2 प्लस 3 कितना होता है मेरे पास 5 होता है। अब सर 2 बाई 5 0.4 कर दें क्या, नहीं भैया, डिजिट सम हमेशा डिजिट में ही रहेगा, तो हम क्या करेंगे, कोशिश यही रखेंगे, कुछ देर पहले परसेंटेज में सिखाए थे वहां पे क्यों नहीं रोल रहा था, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिजिट सम ही 1 हो गया, तो मुझे इस 5 को एक ऐसा नंबर में कन्वर्ट कर देना है जिससे कि इसका डिजिट सम जो है वो 1 हो जाए। सर क्या करेंगे, इनटू कर दीजिए 2, इनटू कर दीजिए 2, मतलब 5 इनटू 2 कितना होता है भैया 10 होता है, और 10 का डिजिट सम 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, तो सिर्फ तो नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, ऊपर भी आपको 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा 4 अपॉन 10, देखिए ध्यान से, और 1 प्लस 0 डिनोमिनेटर का यूनिट मतलब आपका डिजिट सम हो गया 1, अब 4 अपॉन 1 हो गया 4, ये आज पहली बार सीख रहे हैं इसलिए 10 बार 4 स्टेप लिख के ये डायरेक्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हमने रखा 4। अब इधर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है यानी कि x, और यहां पे 100 का डिजिट सम भैया 1 ही होता है। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये माइनस 1 इधर आने से प्लस 1 हो जाएगा, तो यहां पे देखिए 3 माइनस 4 मेरे पास है माइनस 1, अब ये माइनस 1 जब आरएचएस में जाएगा तो प्लस 1 बन जाएगा, और ये रहा मेरे पास x, और माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होने से क्या रहा मेरे पास 0, मतलब जो मेरा x, x यानी कि ये क्वेश्चन मार्क है उसका वैल्यू 0 नहीं, उसका डिजिट सम 0 होना चाहिए, तो ऑप्शन में देखिए किसका डिजिट सम 0 हो रहा है। अब देखिए 7 प्लस 2 9 कट गए, यहां पे 4 प्लस 3 7 1 8, इसका डिजिट सम 8 हो रहा है, नहीं मुझे 0 चाहिए। अब यहां पे अगर देखूं 8 और 1 मिलके 9 हो गया, 2 प्लस 2 4 प्लस 3, इसका डिजिट सम 7 हो रहा है, नहीं मुझे 0 चाहिए। अब देखिए 9 कट गया, 3 3 6 6 2 8 1 9, मतलब सब कुछ 9 में मल्टीप्ल हो जा रहा है, मतलब सब कुछ 9 हो जा रहा है, मतलब इसका डिजिट सम कितना होगा 0 होगा। अरे ये स्टेप समझ में आ रहा है, तो क्या किए हम, देखिए 9 डायरेक्ट कट गया खुद, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, सॉरी 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, और 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, 9 होते ही उसको 0 ले लेंगे, तो दो बार 0 मतलब इसका डिजिट सम भी 0 हो गया। अगर ऐसे करने में अभी प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो रहा है तो पूरा ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 9 12, प्लस 3 15, प्लस 3 18, हाँ सर 18, 18 का डिजिट सम 1 प्लस 8 9, और 9 को हमें क्या लेना है 0, 0 मिल गया, हमें चाहिए क्या था 0, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट इसको आपके तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, ये हमारे प्रैक्टिस में हमें दिख रहा है, ठीक है 9 कट गया, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, इसका डिजिट सम 8 हो गया, तो मुझे 0 यहीं पे मिला, तो आंसर आपका क्या होगा 12933। आप एक बार कैलकुलेटर लगा के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, सारे के सारे आंसर सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। अब चलिए बढ़ते हैं गजब से डेसिमल वाले सवाल में, इसका कॉन्सेप्ट भी हमने कुछ ही देर पहले क्लियर कर दिया था, लेकिन अब आपको एक नया चीज और सिखाएंगे, कहां पे, जब जरूरत होगा तब। अब देखिए
3.92। इसको अगर मैं लिखता तो क्या लिखता सर, 392 अपॉन 100 लिखता, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट थे तो डिवाइड करता 1 के बाद दो जीरो। अब जब मुझे पता है कि 1 में दो जीरो है तो इसका डिजिट सम हमेशा कितने आने वाले हैं, 1 आने वाले, और डिनोमिनेटर में अगर डिजिट सम जो 1 आ गया तो न्यूमरेटर का डिजिट सम अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो वही न्यूमरेटर ही तो रहेगा ना, यानी कि 1 का डिनोमिनेटर में डिजिट सम में कोई रोल नहीं रहता। अगर कोई रोल नहीं रहता तो मैं क्लियरली कह सकता हूं कि जितने भी डेसिमल हो, चाहे पॉइंट के बाद 10 डिजिट क्यों ना हो, आपके उनका कोई भी रोल नहीं रहने वाला। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं 7.9658 इसको, तो इसको मैं 7.9658 डिवाइडेड बाई 1 में 4 जीरो, अरे 1 में 4 जीरो का भी तो डिजिट सम 1 ही होता है ना, तो डिवाइड करने से न्यूमरेटर का ही डिजिट सम आएगा। तो यहां पे हमने एक और चीज क्लियर कर दिया कि डिजिट सम का कोई रोल, मतलब सॉरी डेसिमल का कोई भी रोल नहीं रहता है डिजिट सम में, सेम है सब कुछ, आपको बस डिजिट सम गिनना है। अब कैसे गिनेंगे, ये तो 9 कट गया, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 9 कट गया, 3 प्लस 2 कितना होता है 5, 5 इनटू 5 25, ये लिखना नहीं है, 25 में क्या होगा 7, 2 प्लस 5, ठीक है, ये 25 तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए रफ शीट में। अब देखिए यहां पे 2 प्लस 5 ये भी 7 नहीं आना चाहिए, ये दिमाग में नहीं रह सकता, ये 7, 7 इनटू 7 49, 4 प्लस 9 13, 13 1 प्लस 3 4, डायरेक्ट 4 नहीं आ सकता, लेकिन आप लोग आज पहली बार सीख रहे होंगे इसीलिए हम बता रहे हैं 7 इनटू 7 49, 49 का मतलब 4 प्लस 9 13, 13 मतलब 1 प्लस 3 4, क्लियर है। अब यहां पे प्लस का सिंबल है, अब माइनस कितना करेंगे, माइनस करेंगे ये देखिए 4 प्लस 1 ये हो गया मेरे पास 5 इंटू, देखिए 9 तो अपने जगह कट गया, 3 इंटू 2 कितना हो गया 5, करने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखता ना तो ये 5 इंटू 5 जो है ये प्लस में है और यहां पे 5 इंटू 5 जो है माइनस में, तो ये कट जाएगा, लेकिन कर तो दिए हैं, अब क्या करेंगे, वापसी तो नहीं है, आपको सिखाने के चक्कर में पूरा लेंदी हो गया। 5 इंटू 5 25, 25 मतलब 2 प्लस 5 हो गया आपका 7, और इसके पहले माइनस का साइन है तो 7 प्लस 7 माइनस 7 क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ कितना 4, और RHS में बचा क्या है आपके पास क्वेश्चन मार्क, मतलब जो भी ऑप्शन का डिजिट सम आपका 4 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर वही आपका आंसर हो जाएगा तो जल्दी जल्दी कर दीजिए, 4 ढूंढिए। अब 7 2 9 ये हो गया 9, 8 3 11 11 मतलब इसका डिजिट सम 2। अब इसकी बात करें तो 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 8 6 14 मतलब 5, डिजिट सम नहीं मिला 4। अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं 9 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, तो बचा कितना 4, इसका डिजिट सम 4 है, तो आंसर यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आपके तसल्ली के लिए चेक करते हैं, 9 कैंसिल हो गया। अब देखिए 8 प्लस 7 15 15 प्लस 3 18 मतलब 8 प्लस 1 9 0 हो गया। अब इसका रहा कितना 8, इसका डिजिट सम 8 आएगा, तो सिर्फ मुझे यही एक नंबर मिला जिसका डिजिट सम 4 है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन इसको हम कैसे कर सकते थे, एक सेकंड में दिखाते हैं कि 10 सेकंड में आंसर कैसे आता है। अब देखिए यहां पे ये 9 कट गया, 9 कट गया, ये हो गया 5 इंटू 5 25, ये हो गया मेरे पास 7। अब यहां पे देखिए कैसे होता है, 7 इंटू 7 49, 4 प्लस 9 13, ये हो गया मेरे पास 4, माइनस ये हो गया मेरे पास 5, और ये हो गया मेरे पास 5 25, और हो गया 7, कट गया 7 के साथ 7, मतलब मुझे चाहिए 4। अब चाहिए ये 9 कट गया, 7 2 ये कट गया, 8 3 11 इसका डिजिट सम हो गया 2, 9 कट गया, 6 3 कट गया, 8 6 14 इसका डिजिट सम हो गया 5, 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 9 कट गया इसका डिजिट सम हो गया 4, 9 कट गया, अब देखिए 7 8 15 15 23 23 देन 26 मतलब इसका डिजिट सम 8, यही एक नंबर मिला। देखिए 10 सेकंड में आया या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने प्रैक्टिस को कितना स्ट्रेंथ में लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से, कुछ नहीं करना है। 3 5 7 इसका डिजिट सम कितना आ गया 7। अब डिवाइड इसको किससे करेंगे, डिवाइड इसको करेंगे यहां पे देखिए 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, बस ये टेबल को थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, 2 4 8, ये भी एक ट्रिक है, बढ़िया सा ट्रिक, देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लिखने के बाद, 2 4 8, और यहां पे बस डाल दीजिए 4 5 7 8, मतलब मैं इनडायरेक्टली ये कह रहा हूं कि बस तीन नंबर याद रखिए, 25 47 88। सर ये भी करना होगा, अरे ये आपके लिए ही है। अगर मुझे सर इसको याद करने से फायदा क्या होगा, आज एक क्वेश्चन मैंने करवाया था जहां पे डिनोमिनेटर में मेरे पास 5 था, ये देखिए डिनोमिनेटर में मैंने मेरे पास 5 था, तो अगर 5 था तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था, क्यों, क्योंकि 5 into 2 10 होता है और 10 का डिजिट सम 1 होता है। सिमिलरली अगर मेरे पास किसी भी एक नंबर का डिनोमिनेटर में 2 है तो उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 into 2 10 हो जाएगा और 10 का डिजिट सम 1 हो जाएगा। तो ये मुझे क्लियरली पता चल गया कि 2 अगर डिनोमिनेटर में होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 अगर डिनोमिनेटर में होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, यही इसीलिए तो हमने लिखा 25, क्लियर है। 47 की बात करें तो 4 अगर होगा तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देने से 4 into 7 28 बनता है, और 8 plus 2 आपका 10 बनता है, और 10 1 plus 0 आपका
आपका 1 बनता है डिजिट सम। सिमिलरली अगर 7 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करने से सेम स्टेप आपका कंटिन्यू होगा। अगर 8 होगा तो 8 × 8 आपका 64 बनता है, 6 + 4 आपका 10 बनता है और 1 + 0 आपका 1 बनता है। तो यही बस याद रखिए, 2 अगर होगा तो 5, 5 होगा 2, 4, 7, 7, 4, 8, 8, इतना याद रह गया। तो 2, 5, 4, 7, 8, 8 याद रहने के बाद, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको मैं रिमूव कर रहा हूं। अब देखिए 3 + 2, 5 + 2 ये हो गया 7, डिवाइडेड बाई ये हो गया 4 + 4 ये हो गया 8। अब इसको क्या करना है, इधर 8 मल्टीप्लाई इधर 8 मल्टीप्लाई एक ही बार में, इसको और ऐसा लेकिन लिखना है कि 64 लिखेंगे फिर 6 × 4 = 10 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे। मुझे पता है कि 8 मल्टीप्लाई होते इसका यूनिट डिजिट या फिर डिजिट सम 1 होने वाला है, तो सीधा रहा मेरे पास 7 × 8 कितना 56 रहा। और ये भी आपको नहीं लिखना, आपको ये लिखना है कि 5 + 6 = 11 और 11 का डिजिट सम 1 + 1 = 2 होता है, बस यही आना चाहिए रफ शीट में। इसका अगला क्वेश्चन ही है हमारा थंबनेल वाला क्वेश्चन, उसको मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, फिकर मत, ठीक है। अब ये रहा प्लस, 2 + 6 हो गया 8 और ये हो गया इनटू 4 + 7 = 11 + 1 = 12 मतलब 1 + 2 ये हो गया 3, 8 × 3 = 24 नहीं लिखना है, अगर लिखेंगे तो लिखेंगे। 24 का डिजिट सम कितना हो गया 6। अब देखिए 2 + 6 कितना हो गया मेरे पास 8, मतलब जो मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए उसका डिजिट सम एक 8 आना चाहिए क्योंकि RHS में बैठा है क्वेश्चन मार्क। अब 8 ढूंढिए, 5, 4, 9, अब ये 2 + 6 = 8 और आगे जाने की जरूरत नहीं, यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कीजिए, 3 और 6 कट गए, 5 + 2 कितना हो गया डिजिट सम 7। अब यहां पे 6, 6, 12, 12 + 4 हो गया आपका 16, 16 मतलब 1 + 6 हो गया आपका 7, नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो 8 चाहिए था, मिल चुका है। अब देखिए यहां पे अगर मैं करूंगा तो 8 + 2 = 10, 14, 14 + 6 हो गया 20, 20 का डिजिट सम 2 + 0 = 2 हो रहा है। फास्ट अगर मैं करूंगा तो पहला ही ऑप्शन मेरा काम कर देगा, आंसर वहीं पे मुझे मिल चुका है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट कंडीशन आते हैं, आपका सब्र का फल मीठा होता है, आपके थंबनेल वाले सवाल 10 सेकंड टाइम गिनना शुरू कर दीजिए, करते हैं 7, 7, 8, 8, 11, 2, 2, 4 + 7, 4, 11, 2, 2 हो गया तो ये कट गया, ये हो गया 6, 12 ये हो गया 3 और यहाँ पे माइनस होगा, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 5, 4 कट गया, ये हो गया 7, 7, 6, 42 मतलब ये हो गया 6, 6 मतलब डिजिट सम आपका चाहिए 1, 1 मतलब यहाँ पे हो गया देखिए 7, 8, 1, 9, 6, 6, 12, 12, 7 मिल गया तो 12, 7 मिल गया तो कितना हो गया 19, 19 का 9, 1, 10 इसका डिजिट सम 1, तो यही हो गया आंसर। 10 सेकंड लगा। अब आपको अगर लग रहा है कि नहीं रट्टा रटी है तो ये सारे के सारे स्टेप्स कैसे आएंगे, अब मैं आपको बताता हूं। जो जो स्क्रीन में लिखा है देखिए 4, 3, 6, 1, 1 जो जो लिखा है मैं इसका मीनिंग आपको अभी समझाता हूं, 6 और 7 सबका मीनिंग आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने देखा कि यहां पे इसका डिजिट सम कितना आएगा, देखिए 1 + 7 होता है 8, 8 प्लस 3 होता है 11, 11 मतलब 1 + 1 = 2 और 2 का मुझे क्या करना है स्क्वायर करना है और 2 का स्क्वायर करने से 4, वही लिखा था मैंने 4, क्लियर है। अब चलिए इस बात पे आते हैं, 4 + 7 होता है मेरे पास कितना 11 और 11 1 + 1 डिजिट सम कितना होता है 2, इसलिए मैंने हल्का सा यहां पे 2 लिख दिया था। अब इसका डिजिट सम मुझे निकालना है तो 1 और 8 = 9 हो जाता है और ये 2 और 4 = 6 बन जाता है और इस 6 को मुझे क्यों लिखना है भैया, यहां पे मैंने 2 देखा, यहां पे मुझे 6 मिला था तो 6 × 2 = 12 मैंने देखा, 12 मतलब 2 + 1 = 3 मैंने देखा तो ये रहा गया मेरे पास कंप्यूटर स्क्रीन में 3। अब इनके बीच में प्लस का सिंबल था इसलिए मैंने प्लस का रखा था। अब ये माइनस कहां से है वो भी बताते हैं। अब देखिए ये रहा मेरे पास क्वेश्चन मार्क राइट हैंड साइड में, अब यहां पे 2 + 4 लिखा है मैंने 6, देखिए लिखा है मैंने 6। अब इसको अगर मैं बात करूं 4 और 5 मैंने काटा था क्योंकि 9 बनता है और 1 + 6 कितना होता है 7, इसीलिए मैंने लिखा भी था 7, 7 × 6 = 42, 4 + 2 = 6 इसीलिए मैंने लिखा था 6, लेकिन ये 6 जो है वो RHS में प्लस होके है, LHS में आते ही वो क्या हो जाएगा माइनस, इसीलिए मैंने हल्का सा एक माइनस का सिंबल भी दिया था। 4 और 3 मिलने से 7 और यहां से 6 माइनस होने से बचेगा कितना 1, मतलब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसका डिजिट सम 1 हो रहा हो। अब मैंने पहला ऑप्शन जब देखा तो मैंने क्या क्या काटा, कैसे 1 निकाला, अब मैंने देखा कि 8 और 1 मिलने से 9 हो रहा है, 6, 6, 12, 12 में 7 मिलने से 19, 1 + 9 हो गया आपका कितना 10 और 10 का डिजिट सम होता है 1 + 0 = 1 और मुझे 1 मिलते ही मुझे पता है कि यही मेरा आंसर होने वाला है। अब आपके तसल्ली के लिए मैं और एक भी चेक करने वाला हूं, देखिए 8, 1, 9 मिल गया, 7, 6 हो गया आपका कितना 13, 13 + 5 कितना हो गया 18, 8 + 1 = 9, 9 मतलब डिजिट 0। इसको अगर मैं बात करूं तो 7, 2 कट गया, 8, 6, 14, 14 + 6 कितना हो गया आपका 14 + 6 = 20, 2 + 0 इसका डिजिट सम हो गया 2। इसकी बात कर रहे हैं हम अगर तो 6 + 3 = 9, 9 होने से इसको काट देती है, अब ये देखिए 7 + 8 = 15, 15 + 6 = 21, 21 + 2 + 1 = 3 इसका डिजिट सम हो गया 3। अब ये कंडीशन जाने के बाद मुझे सिर्फ वही आंसर मिल जाएगा जिसका डिजिट सम 1। अब आप अगर विद प्रैक्टिस और ज्यादा करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, देखिए अब एक लास्ट चीज, जब सीख रहे ना तो अच्छे से सीख के जाइए, मजा आ जाएगा।
मैंने देखा इसका डिजिट सम मुझे 1 मिल गया, यही आंसर है, लेकिन इसका डिजिट सम कितना होगा? सर आप ओरली बता सकते हैं, देख देख के मैं बिल्कुल बता सकता हूं, इसका डिजिट सम होगा 0, इसका डिजिट सम होगा 2, इसका डिजिट सम होगा 3। सर अभी लिखे थे इसीलिए रट दिए क्या? नहीं रटे नहीं भैया। अब इसका डिजिट सम हमने निकाला 1, हाँ सर निकाला 1। अब ध्यान दीजिएगा, अब मुझे डिजिट सम चेक करना ना, तो लगभग 786 दोनों में कॉमन है। देखिए अब यहां पे 106 है, यहां पे 105 है, मतलब अप टू 1010 तक सेम था, बस ये 6 बन गया 5, 6 बन गया 5 मतलब 1 कम हो गया। अरे 6 बन गया 5 मतलब 1 कम हो गया डिजिट सम, तो यहां पे अगर डिजिट सम 1 होगा तो इसका 1 कम होने से यहां पे डिजिट सम 0 आएगा। क्लियर है? हां सर क्लियर है। अब इसका डिजिट सम 2 कैसे आया? अब देखिए 786 तक बराबर है, 106 में 06 और 06 बराबर है, बस ये 1 के जगह आया है 2, मतलब एक्स्ट्रा 1 आया होगा। इसका डिजिट सम अगर 1 है तो एक्स्ट्रा 1 यहां पे डिजिट सम कितना होगा? 2 होगा। अब इसकी बात अगर करें तो देखिए 786 कॉमन है, यहां पे 206 है, यहां पे 306 है, मतलब एक ज्यादा है, तो यहां पे अगर 2 है तो इससे एक ज्यादा यहां पे 3 होगा। तो अगर आप चेक करें तो ऐसे भी स्मार्ट वे में चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन क्लोज अगर दिए गए होंगे तो यह आपके लिए और फायदेमंद होगा। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करके यहीं पे सेशन को एंड करेंगे। जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए 7 3 10 10 5 15 15 3 18, 9 का मल्टीपल हो गया मतलब 0 हो जाएगा। सर कैसे? अरे 18 मतलब 8 प्लस 1 9, और 9 मतलब क्या होता है? 0। तो जो भी 9 का मल्टीपल आपको मिल जाए, 27 मिले, 36 मिले, 45 मिले, 0 कर दीजिएगा। 7 प्लस 5 12, 12 मतलब 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3, डिवाइडेड बाई सिंबल है। अब देखिए 4 प्लस 5 कट गया 9, ये हो गया मेरे पास 5, ठीक है, ये हो गया मेरे पास 5, तो ये रह गया मेरे पास 3/5। इसको और ऐड मत कर दीजिएगा, बॉडमास रूल तो पढ़ाई होगा आपने, ये अलग टर्म है, ये प्लस वाला अलग टर्म है, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि 5 होगा तो नीचे 2 इंटू 2 करना होगा, नीचे और लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 10 बनते उसका डिजिट सम 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया मेरा डिजिट सम? 6 बन जाएगा। अब इसका अगर मैं करूं 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 ये हो गया मेरे पास 7, इंटू ये हो गया मेरे पास कितना? 8 से 14, 14 मतलब ये हो गया मेरे पास 5। अरे समझ में आ रहा है ना, 8 प्लस 14, 14 मतलब 1 प्लस 4 हो गया आपके पास 5। 7 into 5 कितना होता है भैया? 35 होता है, क्योंकि परसेंटेज का कोई रोल नहीं रहता। 35 मतलब 5 plus 3 कितना हो गया मेरे पास? 8, तो ये प्लस का 8 आ गया। माइनस अभी कितना करेंगे देखिए, 6, 6 प्लस 7 कितना होता है? 13, 1 प्लस 3 कितना हो गया मेरे पास? ये हो गया 4, इंटू ये करेंगे तो 9 काट देंगे, ये हो गया 6, 6 इंटू 4 24, 24 का डिजिट सम कितना होता है? 2 प्लस 4 6 हो गया, और इज इक्वल टू RHS में मेरे पास क्या है? 40%, मुझे ये परसेंट से कोई मतलब नहीं है, 40 का डिजिट सम कितना होता है? 4, ऑफ का मतलब इंटू, और यहां पे नंबर है मेरे पास जो डिजायर्ड है X। अब मैं बात करूं तो देखिए प्लस 6 माइनस 6 कट गए, ये रहा मेरे पास 8, is equal to 4x। एक स्टेप बस आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख रहे हैं, 8 is equal to 4x, तो 4 अगर मैं काटूं तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? 2, मतलब जो मेरा x है वैल्यू ढूंढने के लिए दिया गया है उसका डिजिट सम 2 होना चाहिए, मिलाइए जहां पे 2 मिल जाएगा। अब देखिए 6 3 9 हो गया, 1 + 1 + 1 3, नहीं भैया मुझे 2 चाहिए। अब 9 कट गया, अब देखिए 5 + 3 8 + 1 9 कट गया, यहां पे डिजिट सम मेरे पास कितना आ गया? 2, यही मेरा आंसर हो चुका है। अब फास्ट फॉरवर्ड करके चेक कर दीजिए, 6 2 8 1 9 कट गया, तो इसका डिजिट सम सिर्फ बचा कितना? 4। अब इसका डिजिट सम 5 3 8 1 9 कट गया, तो इसका डिजिट सम बचा 3, तो मुझे 3 4 3 से मतलब नहीं, जिसका डिजिट सम 2 होगा वही मेरा आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर विल बी 1295.3, मतलब मैं एग्जैक्ट आंसर कम से कम टाइम में निकाल पा रहा हूं। अगर सेशन आपको पसंद आएगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये क्वेश्चन का आंसर इसी डिजिट सम मेथड में कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि नहीं वाकई में आज का सेशन शानदार लगा आप लोगों को, आपने कुछ जबरदस्त सा सीखा और उसको इंप्लीमेंट करने में भी कामयाब हुए। तो बस यही कहते हैं, अगर आपको सेशन पसंद आएगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, हम ऐसे ही आपके साथ क्वालिटी कंटेंट के साथ मिलते रहेंगे, जुड़े रहेंगे हमारे साथ, देखते रहे कैरियर डिफाइनर, तब तक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, और हाँ बिल्कुल कहिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।